जैसे ख्वाब सा, ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। बेगम साहब, जब से उस लड़की को घर से निकाला है ना, मैं सो नहीं सकी। मैंने बेगम साहिबा को नहीं बताया, छोटे नवाब की बीवी है। और क्या? कोई खास बात है इस खुशी के पीछे? बहुत खास बात है, मुझे इस खबर से इतनी खुशी हुई है, मेरा तो नाचने को दिल करता है। महक का कुछ पता चला? तुम्हारी उस आदमी से बात हुई? क्या कह रहा है वो? वो कहता है कि मैं महक को भूल जाऊं। तुम अब खामोश रहो, वो लड़की जैसे इसको मिली थी, इसे पता नहीं कितनों से मिलती होगी। अरसलान, अपना ख्याल रखना। मुझे माफ कर दो सर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत तकलीफ पहुंचाई तुम्हें। अगर मैं तुम्हें गलत नहीं समझता तो हम एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे, मैं जानता हूं। गुनहगार हूं तुम्हारा, पापा को भी बहुत तकलीफ पहुंचाई, माफी तक नहीं मांग सकता, मगर वादा करता हूं तुमसे अपनी हर गलती का अजाला करूंगा। ये सब कुछ तुम्हारा दिल जीतने के लिए नहीं कर रहे, सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी बन के गुजार दूंगी, जो तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हमारा रिश्ता अब तक जैसा चलता रहा है हमेशा वैसे ही चलता रहेगा, हमारे बीच में इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं। तुम जाओ, मेरी मौजूदगी में उसे अपना सकते हो तो उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें कभी नहीं अपना सकती। अरसलान, मेरी शिकस्त होगी, मैं हारना नहीं चाहती, कभी नहीं।
तुम जो कर रही हो ना ठीक नहीं कर रही। अगर हमारी इज्जत के बारे में नहीं तो कम अज कम अपने बारे में ही सोच लो। अगर वो लड़की अरसलान की बीवी बनकर यहां आ गई तो क्या हैसियत रह जाएगी तुम्हारी इस घर में? वही जॉब है। क्या मतलब है तुम्हारा? मम्मी, मैं अरसलान की वो बीवी हूं जिसे उसके घर वालों ने उसके लिए पसंद किया। महक वो है जिसे वो खुद पसंद करता है। उन दोनों में बहुत फर्क है। वो ये फर्क मैं और आप चाह के भी नहीं मिटा सकते। कुछ दिनों में भूल जाता वो उसे, ख्याल भी ना आता उसे उसका। हाँ शायद उसे भूल जाता, लेकिन अम्मी मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं इस एहसास के साथ कैसे रह सकती हूँ कि मुझे अपनी जगह बनाने के लिए महक को उसकी अपनी जगह से हटाना पड़ेगा? ये नहीं हो सकता। मैं इस एहसास के साथ नहीं जी सकती। मेरा नहीं बन सका, लेकिन जिसका बना है उसका तो बना रहे। मैं बस यही चाहती हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा ये जज्बाती फैसला तुम्हें जिंदगी में किन मुश्किलों से दो चार कर देगा। मुझे अंदाजा है, मैं इन सारी मुश्किलात के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी हूँ। पागल हो गई हो तुम शायद। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं सुकून में हूँ, मेरा दिल मुतमईन है। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है अम्मी, आप सब कुछ भूलकर सलमान का साथ दें। मुझे पता है कि आप ये सोच के परेशान हैं कि मेरा क्या होगा, कि ना मेरे लिए परेशान मत हो प्लीज। आपको पता है अरसलान की खुशी में ही मेरी खुशी है। बस दुआ करें कि अरसलान को महक वापस मिल जाए प्लीज अम्मी प्लीज। मुझे बताओ महक कहाँ है? अभी नहीं नवाब साहब, अभी नहीं। आप इस तरह जल्दबाजी करेंगे तो खेल का मजा नहीं आएगा। मैं कोई खेल नहीं खेलना चाहता। आखिरी बार बताओ मुझे महक कहाँ है? चले आखिरी बार पूछ लिया, अब बताएं। महक कहाँ है? महक अरे साहब, जहां से इस खिलौने को निकाला है इसे वहीं वापस डाल दे। आप ये जाने बगैर कि महक कहाँ है मुझे मारने की बेवकूफी बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे आपको पता तो होगा कि आप बाप बनने वाले हैं, मगर शायद ये पता ना हो कि आप एक बेटी के बाप बनने वाले हैं। नवाब साहब, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने उसकी तरबियत का मुकम्मल इंतजाम कर लिया है और उसे इस शहर की सबसे बड़ी तवायफ न बनाया तो मेरा नाम भी सीधा बुलट नहीं।
बिल्कुल इसी तरह तड़पाना चाहता था, बिल्कुल इसी तरह। शीदा बुलेट किसी का हिसाब नहीं रखता। जो आपने शीदे के साथ किया है, शीदा सूद समेत लौटाएगा। और हां, आइंदा इन खिलौनों से शीदे को डराने की कोशिश मत करना, समझे? अब निकलो यहां से, निकलो। ओए, कहां मर गए हो सालो? इधर आओ। ये है अपने नवाब साहब, इनको फुल प्रोटोकॉल के साथ बाहर छोड़ो, इज्जत के साथ छोड़ के आना। ये हमारे छोटे नवाब हैं। शीदा बुलेट को डराता है, शीदा बुलेट को इन खिलौनों से डराता है। साला, ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा, रिश्ता है जैसे ख्वाब सा।
पकड़े गए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे ये लोग। मेरी तो खैर है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, पर तुम तो माँ बनने वाली हो, तुम ये खतरा मोल ले सकती हो। यहाँ जिंदा रहने से बेहतर है मैं अपनी मर्जी से ही मर जाऊं, मगर तुम्हारा क्या होगा? मैं संभाल लूंगी, वैसे भी कहा ना कोई नहीं है मेरा। तुम अभी तक गई नहीं? हाँ बस जा रही थी। जाते हुए कमरा लॉक करके चाबी मुझे देकर जाना। जी अच्छा मैं जा रही हूँ। रिक्शे वाले से मैंने बात कर ली है, वो तुम्हें आगे जाके छोड़ देगा, और मैं चलती हूँ, बस अपना बुर्का पहन लेना। बाजी चाबी देना, वो मेरा पर्स अंदर रह गया है। से आपकी बीवी को बाजियाब कराना मेरा काम, आप घर जाइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस मामले में मेरी इज्जत इन्वॉल्व है, ये काम आप जितना राजदारी के साथ करेंगे उतना ही मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। जानता हूं आप साहब, और सीधा हमेशा आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाता रहा। क्या आप अपनी इज्जत की खातिर किसी से कभी कोई बात नहीं करें, लेकिन आपने यहां आकर समझदारी का सबूत दिया, आप घर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। काश नवाब साहब आपने मुझे उस वक्त बताया होता जब पहली मरतबा सीधे ने आपसे निकाह के बाद महक का मुतालबा किया। खैर मुझे अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द आपको खुशखबरी देगी, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। Thank you. रशीद है? मुझे नहीं मालूम। सीधी तरह बोल, रशीद कहाँ? मैंने कहा ना नहीं मालूम। सर इसे थाने ले चलते हैं, ये तो फर बोलेगा। थाने जाने का वक्त नहीं, इसके लिए यही थाना बना दो। चंबेली, ए चंबेली, बता दे कहां पकाया तूने उसे? मैं पूछ रहा हूं, बता कहां पकाया तूने उसे? मुझे नहीं पता कहां गई है वो। तुझे नहीं पता? तूने क्या गलती की है, उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा, मगर तेरे साथ जो करूंगा वो तू याद रखेगी। मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तू अपना नाम भी भूल जाएगी। आखिरी बार पूछ रहा, बता दे
कहाँ जा सकती है वो? नहीं ढूंढ सकता तू उसे, और ना अब वो तेरे नवाब के पास गई है, और ना वो गांव वापस गई है। नहीं ढूंढ सकता तू उसे, नहीं ढूंढ सकता। सीधा बुलेट को चैलेंज करती है तो, सीधा बुलेट को चैलेंज करती है तो सीधा तेरी हालत बिगाड़ देगा, सीधा तुझे किसी काम का नहीं लगेगा, कि तू अपना नाम भी भूल जाएगी। सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भाग गई है। जल्दी बताओ मैं कहाँ? इसने बुलाया उसे, कहा ना भाग गई है वो। हाँ, इसे थाने ले चलो, वहां जाकर ये फर फर बोलेगा कि मैं कहाँ है। इंस्पेक्टर, बड़ी गलती कर रहे हो तुम, तुम जानते नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। मैं तुझे तेरी पहुंच तक पहुंचने से पहले पहले तेरा वो हशर करूंगा कि तू अपनी याददाश्त भूल जाएगा। इंस्पेक्टर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम ऐसा। दुआ करो कि वो लड़की मिल जाए, वरना तेरे जैसे कमीने इंसान का मैं वो असर करूंगा तो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ले आओ इसे। जी हेलो नवाब साहब। जी नवाब साहब, हमने चीज़ों को गिरफ्तार कर लिया है। जब हम चीज़ों को पकड़ने के लिए गए तो मैक वहाँ से जा चुकी थी एक लड़की की मदद से। आसपास के लोगों से पूछा तो एक दुकानदार के पास वो थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर वहाँ से भी चले गए। नवाब साहब, मैंने हर तरफ वायरलेस करवा दिया है, आपको कहीं से कोई इत्तला मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात की तसल्ली है कि अब वो चीदे के पास नहीं है, इंशाल्लाह कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। जी जी नहीं। अम्मी, अम्मी जान, सकीना भी, अम्मी जान कहाँ है? अब वो जी अपने कमरे में होगा। अच्छा, मैं उन्हें कमरे में ही मिल लेती हूँ, आप मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दें। अच्छी बना के लाते हैं। ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा, जैसे ख्वाब सा। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश। तुम्हारी एग्जीबिशन लगता है बहुत अच्छी गई। हाँ, अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी। मेरी पेंटिंग्स को लोगों ने इतना पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया है मुझे। मम्मी, मेरा जो ख्वाब था ना वो आज पूरा हो गया। जाहिर है बेटा, तुमने इतनी मेहनत जो की थी पेंटिंग्स बनाने के अलावा, और तुमने किया ही किया, दिन रात एक कमरे में ही रहती थी। अम्मी, अरसलान ने मुझे कहा था कि वो आएगा, मगर वो नहीं आया। मैं उसे फोन करके पूछती हूँ कि वो क्यों नहीं आया। सहर, एक बात कहो। जी अम्मी। तुम अपनी कसम तोड़ क्यों नहीं देते? क्या मैं अपने पोते पोतियों को खिलाए बगैर इस दुनिया से चली जाऊंगी? मम्मी, आपको पता है आप जो फरमाइश कर रही हैं वो मैं पूरी नहीं कर सकती। क्यों बेटा, तुम दोनों मियां बीवी हो, इतनी दोस्ती है तुम में, एक दूसरे का ख्याल करते हो, तो फिर ये पाबंदियां क्यों? आप जानती हैं क्यों? अभी बेटा, वो तो पुरानी बात हो गई। बात भले पुरानी हो गई हो, लेकिन ये सच है कि मैं महक की जगह नहीं ले सकती, और ना ही अरसलान मुझे वो जगह दे सकता है। उससे ये नहीं होगा मम्मा, सॉरी।
शुक्रिया सकीना भी। हेलो अरसलान, कहाँ हो तुम? एग्जीबिशन में क्यों नहीं आए? वो मैं बिल्कुल भूल गया। भूल गए? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा सुनो सुनो, तुम्हें पता है ना, बहुत दिनों से अपने होटल के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। आज एक जगह मिली है, काफी दूर है तो इसलिए वहां नहीं पहुंच सकता। बस रहने दो, बहाने तो तुम्हारे पास हमेशा से ही बहुत होते हैं। अच्छा माफ कर दो, मैं बस अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, घर पहुँच के तुमसे तुम्हारे एग्जीबिशन की कहानी सुनूंगा। ठीक है? ओके बाय। अल्लाह हाफिज़। व्हाट्सएप चाची फिरोज का घर यहीं पे, अगर पास नहीं, अगर आप मिलना चाहें तो बिल्कुल ये पास ही है घर। किसका? चाची फिरोज का। चाचा फिरोज का घर यहाँ पर है? हाँ जी बिल्कुल इधर पास ही है, थोड़ा सा आगे जाके घर। हाँ ठीक है, अब यहाँ आए हैं तो उनसे मिले बगैर तो नहीं जा सकते। चलो इधर अचानक मौसम बदल और इधर आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आए। आपने तो मुड़कर नहीं पूछा, अगर जब मुझे पता चला कि आप यहाँ रह रहे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। आपकी शान के मुताबिक मेरा ये गरीब खाना तो नहीं है, कहाँ बिठाऊं मैं आपको? नहीं फिरोज चाचा, मुझे शर्मिंदा नहीं कर, घर से कुछ नहीं होता, रिश्ते और ताल्लुक सब कुछ होते। बैठिए बैठिए नवाब साहब। अरे अरे मेरा बेटा, ये हमारे मालिक हैं, इन्हें सलाम करो बेटा। बहुत सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। शर्मा जाओ शाबाश, तुम खेलो जाओ, अपनी छोटी सी बकरी को घास खिलाओ, जाओ 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 जाओ। फिरोज चाचा, ये बच्ची आपको नाना अब्बू क्यों कह रही है? वो दूर के रिश्ते में नवासी लगती है तो इसलिए मुझे नाना अब्बू कहती है, मेरे पास रहती है। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों फिरोज चाचा, इसको देखकर मुझे महक याद आ रही है। एक सच छुपाने की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुका हूँ, अब आप मुझसे कोई सच नहीं छुपाइएगा। नहीं नवाब साहब, मैं कुछ भी नहीं छुपा। फिरोज चाचा, आपने मुझसे महक के बारे में कुछ सवाल क्यों नहीं पूछा? क्या सवाल करूं मैं आपसे इस बार? आपका उससे रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं था फिरोज चाचा? तो कोई तो सवाल करते ना आप मुझसे। फिरोज चाचा आप मुझसे कुछ छुपा रहे। देखिए बताएं मुझे, बताएं मुझे ये बच्ची कौन है? हाथ जोड़ता हूं मैं आपके, सच सच बचाएं मुझे फिरोज चाचा प्लीज। फिरोज चाचा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या महक ने वहां से निकल के आपसे रابطہ किया? हाँ, उसने वहां से निकलकर मुझसे रابطہ, वो मेरे पास आई, मेरे ही पास आई। अरे छोटे नवाब बैठी बैठी, मैं बताता हूं आपको कि मैं कहां है। फिरोज चाचा आपने अच्छा नहीं किया मुझसे ये छुपा के। महक के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझसे छुपाया, क्यों नहीं बताया मुझे आपने कि आपको पता था वो कहाँ है? मैंने आपके दरवाजे पे कभी दस्तक इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे यकीन था आप पर कि अगर आपको महक की खबर मिलेगी तो आप मुझे खुद बताएंगे। अब तो बता दे मुझे कहाँ है वो, मैं
इतने सालों से उसे ढूंढ रहा हूं, प्लीज मुझे बता दे। नवाब साहब, मैं कब इस दुनिया में नहीं रहा, बच्ची को जन्म देकर अल्लाह को प्यारी हो, मैं आपको बताना चाहता, लेकिन महक ने मरते वक्त मुझे कसम दी थी कि छोटे नवाब को न बता। नवाब साहब, महक आपसे बहुत प्यार करती, वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहती थी, उसे खौफ था कि कहीं बड़ी बेगम साहिबा और सहर बीबी उसे कबूल करने से इनकार न करते। बस आपके लिए हर वक्त दुआ करती रहती थी, लेकिन आपकी जिंदगी से दूर रहना चाहती थी। ये क्या किया आपने फिरोज चाचा, मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, मेरी बेटी के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने कई बार सोचा था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं भी ये सोच कर डर गया कि कहीं बड़ी बेगम साहिबा बच्ची को कबूल करने से इनकार न करे। बस यही वजह थी। फिरोज चाचा, अभी और इसी वक्त आप और मेरी बेटी मेरे साथ हवेली जाएंगे। मैं अपनी बेटी को वो मकाम दूंगा, महक से वादा। सबर, अल्लाह को यही मंसूर। सबर, रिश्ता है जैसे का। मैं जाऊंगा। सहर बीबी, सहर बीबी, क्या हो सकीना दी? वो छोटे नवाब आए हैं फिरोज चाचा को लेकर, और मैं साथ एक छोटी सी बच्ची भी है। बच्ची भी है? हाँ जी। ये कौन है? अम्मी जान, ये आपकी पोती है। मेरी पोती? जी। मैं कब इस दुनिया में नहीं रही, मगर ये मेरी एक प्यारी सी गुड़िया छोड़। जा, दादू के पास जा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपको अपने पोते पोतियों को देखना था ना? ले, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। पापा देखो ना। ये आपकी आंटी है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपकी आंटी नहीं हूँ, मैं आपकी मामा हूँ। आप मुझे मामा कहोगी? क्या?